हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। यूपी की सियासत में बड़ी हलचल है और हलचल इतनी ज्यादा है कि प्रियंका गांधी एक तरफ लखनऊ पहुंची तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी बाराबंकी से लखनऊ पहुंच गए। अगस्त के महीने में जहां हिंदू वोट की लड़ाई चल रही थी तो सितंबर में गेम बदल गया है, अब मुस्लिम वोट की जंग शुरू हो गई है और ओवैसी इसमें लीड रोल में आ गए। पिछले 70 घंटों में ओवैसी ने 4 विधानसभा रैलियां की, बहुत बड़ी नेटवर्किंग की। सवाल है कि क्या यूपी का चुनाव पिछले 3-4 दिनों में ही बदल गया है? आपको इन तमाम सवालों के जवाब हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में मिलेंगे। हम बराबरी चाहते हैं, हम हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी चाहते हैं। अगर 11% मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो क्या 19% मुसलमान अपने 19 MLA मनीष के नहीं कामयाब कर सकते? ओवैसी मुसलमानों से कह रहे हैं कि यूपी में वो 19% हैं और यादव 11%। ऐसे में समाजवादी पार्टी की सरकार में 19% वाला मंत्री क्यों बनता है और 11% वाला चीफ मिनिस्टर कैसे बन जाता है? सुल्तानपुर में ओवैसी ने लीडरशिप का जो ख्वाब मुसलमानों को दिखाया, बाराबंकी में भी वही दोहराया। तुम कब तक नारे मारोगे, ढगे ऐसा नेता होगा? अरे तुम बनो, तुम काबिल बनो, तुम कौम के सिर का सरदार बनो। हम तुम्हारे पीछे करेंगे, तुम अपने वास्ते हर चीज करेंगे। मैं पैगाम दे रहा हूं उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को, अगर 11% यादव मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को अपना मुख्यमंत्री बनाए तो क्या इस आने वाले चुनाव में 19% मुसलमान क्या मंदिर के मेले को कामयाब नहीं कर सकते? कहेंगे इंशाअल्लाह। ओवैसी का सिंगल पॉइंट एजेंडा है, मुसलमानों का वोट लो तो मुसलमानों को कुर्सी भी दो। ओवैसी के भाषण गौर से सुनेंगे तो उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी मिलेगी, अखिलेश यादव मिलेंगे। अखिलेश यादव को टारगेट पर रखने का सीधा मतलब है, यानी कि ओवैसी के टारगेट पर मुस्लिम वोट हैं, जो अभी तक समाजवादी पार्टी में जाते रहे हैं। ओवैसी यहीं पर सबसे बड़ी सेंध लगाना चाहते हैं। जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, भारत की आजादी के बाद 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए, उस वक्त तो इनकी जबान बंद थी, गूंगे बने हुए थे। उस वक्त उनको उस मस्जिद याद नहीं आई जो आज मुजफ्फरनगर में वीरान हो चुकी है। ओवैसी जानते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट उन सीट्स पर हाई रहेगा जहां मुस्लिम वोट ज्यादा है। यही वजह है कि इस बार उनका प्लान यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीट पर उम्मीदवार उतारने का है। अब तक ओवैसी अयोध्या जा चुके हैं, ओवैसी रुदौली गए, ओवैसी सुल्तानपुर गए और अब ओवैसी ने बाराबंकी में रैली की है। असदुद्दीन ओवैसी इस समय पहुंच चुके हैं और जो दीवानगी है असदुद्दीन ओवैसी के लिए, आप देख सकते हैं कि लोग फिलहाल उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, उनको सुनने के लिए जा रहे हैं। हजारों की, सैकड़ों की समर्थकों की हुजूम है यहाँ पर और यहाँ पर नारे लग रहे हैं कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। असदुद्दीन ओवैसी के पहुँचने के बाद जो माहौल है यहाँ का वो पूरी तरीके से बदल चुका है और लोग चाह रहे हैं कि वो अपने नेता को एक बार देखें, उनकी बातें सुने। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ओवैसी के पहुंचने के बाद यहां का माहौल बेहद गर्म हो चुका है। 3 दिनों में अवध रीजन की 4 सीटों पर ओवैसी धुआंधार बोले। बाराबंकी की रैली में ओवैसी के लफ्जों में क्या आग थी, एक बार फिर देखिए। आपने देखा कि पार्लियामेंट में CAA का कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश में एहतजाज हुआ तो 22 मुस्लिम नौजवानों को गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। लखनऊ से लेकर रामपुर से लेकर हर जगह पर 22 लोगों की जाने चले गई पुलिस फायरिंग में और उनको गोली लगती है पैर पर नहीं, सीने पर, सर पर गोली लगती है। कानून बना तो उसका इस्तेमाल यादव पर नहीं होता, उसका इस्तेमाल दलित पर होता है, आदिवासी पर होता है, मुसलमान पर होता है और उन दानिशवरों पर होता है जो हुकूमत के खिलाफ होते हैं। ये लोग जेल को नहीं जाते, जेल को जाना हमारा मुकद्दर बन चुका है। ओवैसी मुजफ्फरनगर दंगों का मुद्दा उठा रहे हैं, ओवैसी CAA का मुद्दा उठा रहे हैं, ओवैसी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर सवाल उठा रहे हैं। हमको तो उम्मीद है ओवैसी साहब के आने में, अगर वोट देने की बारी आएगी तो आप लोगों का वोट जाएगा उस तरफ? बिल्कुल। जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो मतलब जो हिस्सेदारी की बात की है समाजवादी पार्टी में नहीं मिलता है वो चीज़,
और हर पार्टी का एक नेता अपना है, दलित का नेता है, समाजवादी का नेता है, हर चीज़ का नेता है और मुस्लिम का नेता नहीं है, इसलिए जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब नेता बनाने आए हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि वो दलित से भी बदतर हालत इस समय मुसलमान की है। आप वोट लेना तो सपा और बसपा कांग्रेस को 70 सालों से मुसलमान वोट देता चला आ रहा है, लेकिन मुसलमानों को मिला क्या? चंद मुसलमान अपना झोला भर के चले जाते हैं, पूरी कौम आज भी रिक्शा और मजदूरी कर रही है। बाकी लोग सेकुलर नाम पे वोट ले लेते हैं, लेकिन कभी हक नहीं दिया किसी पार्टी ने। बहुत ज्यादा हुआ, एक दो मंत्रालय दे दिया, लेकिन आप जमीनी स्तर पे देखिए कोई मुसलमान का कोई भरा नहीं हुआ। ओवैसी की रैलियों में इलाका बदल जाता है, टॉपिक बदल जाता है, लेकिन नहीं बदलता है तो ओवैसी का एजेंडा। वो बार बार मुसलमानों को ये याद दिलाते हैं कि जितना मुसलमानों का वोट है सत्ता में उनकी हिस्सेदारी आखिर उतनी क्यों नहीं है। बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, क्या इनके मन से लफ्ज़ से मुसलमान निकलता है? कभी आपने सुना इनके मन से मुसलमान का लफ्ज़ सुनते हुए? क्यों नहीं बोलते मुसलमान? क्यों नहीं बोलते मुसलमान का नाम क्यों नहीं लेते? क्या भारत के 14% आबादी भारत के अव्वल दर्जे की शहरी नहीं है कि तुम अपनी समान को हमारा नाम लेने से कतराते हो? तुम क्यों करते हो? क्यों शर्मिंदगी महसूस करते हो? ये सवाल मेरा बीजेपी से भी है, सपा से भी है, बीएसपी से भी है। आज ये माहौल बना कर रख दिया गया कि ये बड़े बड़े लोग जो वोट को चाहते हैं मगर नाम लेना पसंद नहीं करते मुसलमानों का। यूपी में 2017 में ओवैसी ने 38 उम्मीदवार उतारे जिनमें से 37 की जमानत जब्त हो गई। अब सवाल ये है कि 100 सीट पर उम्मीदवार उतार के ओवैसी क्या मैसेज देना चाहते हैं, इसके लिए उम्मीदवार का सिलेक्शन और चॉइस को समझना होगा। शुरुआत में ओवैसी की चुनी गई सीटों को बहुत गौर से देखिए, इनकी करीबी समझिए। रुदौली बड़ा कस्बा, लेकिन 27% मुस्लिम वोट। बाराबंकी 26%। अयोध्या जिले में मुस्लिम वोट 15%, जबकि सुल्तानपुर में 17%। यहाँ ओवैसी की नेटवर्किंग देखिए, उनकी स्ट्रेटजी को समझिए। सुल्तानपुर में ओवैसी के मंच पर बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी भी आई और बेटा भी। ओवैसी यूपी में बाहुबल वाली पॉलिटिक्स भी करना चाहते हैं और इसके लिए मुस्लिम नाम की आड़ भी ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी अपना एजेंडा खुलेआम चला रहे हैं। वो मुसलमानों को बताना चाहते हैं कि आखिर वो मुसलमानों को किस तरीके से नेता बनाना चाहते हैं। वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी के नेता हैं, यादव नेता हैं, ब्राह्मण नेता हैं, राजपूत नेता हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का नेता क्यों नहीं है। सबसे अच्छी ऐसी बात साहब की ये बात लगी कि हिस्सेदारी चाहिए और हिस्सेदारी के लिए इंशाल्लाह वो लड़ेंगे और उन्हें हिस्सेदारी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में सबकी लीडरशिप है, खाली हम मुसलमानों की लीडरशिप नहीं है। मुसलमान हमेशा इस्तेमाल होता आया, ये जो सेकुलर पार्टियां हैं चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन सब ने हमारा इस्तेमाल किया। ये 4.5 साल सोए रहते हैं, 4.5 साल बाद उठ के चले आते हैं कि चलो मुसलमान मजदूर है इनका, मजदूरी करें इनके साथ, उसके बाद ये फिर गायब हो जाएंगे। अपनी बिरादरी, अपने लोगों को नौकरियां, अपने लोगों को कारोबार में लाने के बाद, और हम तो हमारा जो वोटर है बेस मुसलमान वो रिक्शा बेचारा चला रहा है, रेहड़ी लगा रहा है। सेकुलर पार्टी यहाँ पर है वो केवल मुसलमान का वोट लेना जानती है, उनको उनसे ना मिलना चाहती है, ना उनके मकसद उनके मसाइल को जानना चाहती है। ओवैसी की पार्टी को वोट काटने वाली पार्टी भी कहा जाता है, लेकिन इस बार ओवैसी ने जितना जोर लगाया है उसे देखने भीड़ जुटी है। लोग ओवैसी के यूपी फॉर्मूले को समझना चाहते हैं। जिस तरीके से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से एक माहौल बना रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों का खाली इस्तेमाल किया गया, आप लोगों को क्या लगता है? बिल्कुल ओवैसी साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं, अभी तक मुसलमानों को इस्तेमाल किया जा रहा था, ओवैसी साहब आए हैं, मुसलमानों में एक उम्मीद है। हम ये मुसलमानों से कहना चाहेंगे अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, बिखरे हुए दियों को संवारा जाए। यहाँ आ रहे हैं लेकिन मुझे कोई खास असर नहीं दिख रहा है और उनके आने से कोई खास पब्लिक में असर नहीं आएगा, क्योंकि लोग यहाँ शुरू से समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हैं, प्लेस आते हैं, अपने कौम के लिए बात करते हैं, हम लोगों की बात ही नहीं करते। अक्सर यही बातें होती हैं कि ओवैसी आए, ओवैसी वोट काटने के लिए आए, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग 22% हैं, हमको
गठबंधन में लेना चाहिए ना, अब इसे खुद गठबंधन करना चाहिए। यूपी में 19% मुस्लिम है और 11% यादव है। इस 30% वोट के गठजोड़ के साथ और वोट मिल जाए तो सरकार बनाना आसान हो जाता है। चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बीएसपी हो, या फिर ये पुरानी कांग्रेस पार्टी हो, इनकी जबानों पर ताला लग चुका है, कुछ नहीं कह के। CAA का कानून आया तो आवाज नहीं उठाए, ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया पार्लियामेंट में, कौन खोलकर बताया कि ट्रिपल तलाक का कानून जो नरेंद्र मोदी बना रहे हैं वो भारत के संविधान के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी बड़ा दावा किए कि मैं मुस्लिम, महिलाएं मेरी बहनें हैं, मैं अपनी बहनों को इंसाफ दिलाना चाह रहा हूं, किसके पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि भारत में यकीनन महिलाओं से नाइंसाफी होती है, मगर नाइंसाफी उन लोगों से भी होती है जो शादी कर अपनी बीवी को छोड़ देते और अपने घर में नहीं रहते। ओवैसी उत्तर प्रदेश की रैलियों में जातियों का नाम लेकर के पूछ रहे हैं कि उन्होंने पिछले चुनाव में बीजेपी को वोट दिया है या फिर नहीं। वो ब्राह्मण की बात करते हैं, ठाकुर की बात करते हैं, राजपूत के अलावा ब्राह्मण के साथ साथ ओबीसी जातियों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, लेकिन उनकी सभाओं में एक चीज बिल्कुल खास है कि उनकी पूरी पॉलिटिक्स मुस्लिम वोटों के इर्द गिर्द घूमती ही नजर आ रही है। अब इलेक्शन आ गया तो सब बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, अरे आवाज तो उठाओ, बात तो करो, मगर लफ्ज मुसलमान का नाम लेना नहीं चाहते। पूछिए कभी आप खुद अपने आप से सवाल करिए कि बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, क्या इनके मन से लफ्ज मुसलमान निकलता है? हम एक आजाद कौम है भारत में, हुक्मरान कोई भी हो, योगी हो, मोदी हो या किसी का हो, मगर वो हुक्मरान है, वो बादशाह नहीं है, वो प्रधानमंत्री है, वो चीफ मिनिस्टर है, हम किसी के गुलाम नहीं। ओवैसी की पॉलिटिक्स की स्ट्रेटजी को अगर समझें तो क्लियर हो जाता है कि ओवैसी बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में ही अपनी स्ट्रेटजी रखना चाहते हैं। दरअसल बिहार चुनाव में AIMIM 20 सीटों पर लड़ी थी और उसे 5 सीट जीतने में कामयाबी भी मिली थी। उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी कुछ इसी तरीके का फॉर्मूला अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको मुंबई की ऐसी डरावनी तस्वीर दिखाएंगे जिससे आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसे भला कैसे चलेगा। सुरभि शर्मा, खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।